बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद अज़ीज़। आज पेकाना इंटरनेशनल जर्मनी की जिसमें पैथिक कंपोजिशन को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, उसको सैडिसिलो यानी कि PK65 कहते हैं। सैडिसिलो यानी कि PK65 की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें शामिल है एसिडम फास्फोरिकम 4x, अगारिका 6x, अनाकार्डियम 4x, कॉफिया क्रोडा 6x, हायोसैमस 4x, हाइपेरिकम 2x, जिंकम वैलरियनिकम 4x और हेमोमेलस ल्यूपुलस क्यू। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें और मज़ीद डिटेल के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। सैडिसिलो यानी कि PK65 का इस्तेमाल थके, मांदे और बेचैन असाब की दवा के तौर पर किया जाता है। असाबी बेचैनी, जहनी जिस्मानी थकावट, हाफजे की कमज़ोरी, गुस्सा, दिल की तेज़ धड़कन, जिनसी फेल की कमी, भूख की कमी, जल्द गुस्से में आ जाना, सर चकराना, दिमागी सलाहियत में कमी, हर वक्त अपने आप को मरीज़ तसव्वुर करते रहना, जिनसी फेल का तसल्ली बख्श तौर पर सर अंजाम ना पाना, कसरत नींद के बावजूद थकावट महसूस करना, ख्वातीन की जहनी और असाबी बेचैनी की वजह से माहवारी की बेकैदगी, औज़ा का तशन्नज। सैडिसिलो इन तमाम जहनी और जिस्मानी औज़ा की इस्तेताद को एक बार फिर नुक्ते अरूज पर ले आती है। सैडिसिलो यानी कि PK65 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि मरीज़ को चाहिए दिन में 3 से 4 मरतबा 15 से 20 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करें। PK65 यानी सैडिसिलो आपको बाज़ार से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अज़ीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।